नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आकाश आज लेकर आया हूँ आपको बहुत प्यारे से घर को दिखाने। बहुत अच्छा लग्जरी 3+1 BHK का घर है ये। लोकेशन बहुत बढ़िया। एंड शुरुआत करने से पहले आपको इस एरिया के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। यहाँ हम बैठे हैं एक अपने घर के बाहर कंसेप्ट के अंदर, जो घर के मेल मेम्बर्स को ज़्यादा पसंद आएगा ही नो, बट कोई बात नहीं, इसको आप हर तरीके से डिज़ाइन भी कर सकते हो। तो दोस्तों बात करते हैं इस घर के लोकेशन की। लोकेशन जो रहने वाली है इस घर की, वो रहने वाली है चंडीगढ़ पटियाला हाईवे, या इसको हम जीरकपुर पटियाला हाईवे बोलते हैं। एयरपोर्ट रोड यहाँ से बहुत नज़दीक है। एयरपोर्ट का जो डिस्टेंस यहाँ से रहने वाला है, दैट इज़ समवेयर अराउंड 15 मिनट का ड्राइव। सो हर चीज़ बहुत अच्छी निकली हुई है। लोकेशन को हम बाद में दोबारा एक बार ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, अभी देख लेते हैं इस घर को। आइए प्लीज़। तो दोस्तों बेसिकली ये जो घर है हमारा, ये आता है 3+1 विच इज़ 3 बेडरूम + सर्वेंट के एरिया में। एंड जैसा आप देख पा रहे हैं, इंटीरियर बहुत बहुत बढ़िया किया है। ये आपके घर का अपना ही एक एंट्रेंस फॉयर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आपके घर की एंट्री यहाँ से स्टार्ट होती है, कम्प्लीटली प्राइवेट। एक फ्लोर पे दो फ्लैट्स हैं दोस्तों इस टावर के अंदर, एंड दोनों ही फ्लैट्स आपके साइड बाई साइड हैं, कम्प्लीट प्राइवेसी। आइए, डोर बहुत लेविश लगाया है, 4 फिट बाई 8.5 फिट का डोर है, अगेन जो एक लग्जरी प्रॉपर्टी की बेसिक रिक्वायरमेंट है। साथ ही एंट्री होती है हमारी ड्राइंग रूम के अंदर अपने। तो दोस्तों मुझे लगता है एंट्री पे तो वॉ फैक्टर मिल गया होगा आपको, ड्राइंग देख के भी वॉ फैक्टर अगेन आएगा नज़र में। 8-सीटर सोफ़ा लगाया है हमने, बड़े ही बेसिक डिज़ाइन के साथ में, जिसमें फीचर दिया है बीज कलर और रॉयल ब्लू का विथ प्लेन बैकग्राउंड वाइट के साथ, तो अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कंट्रास्ट में जा रही हैं चीज़ें। साथ में कॉर्नर का यूनिट अपने पास है, बड़ा अच्छा डिज़ाइनिंग डेकोरेटिव आइटम वहाँ लग सकता है अपना। एंड इस ड्राइंग को ओवरलुक करता हुआ अपने घर का वो फीचर जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, विच वॉज मिनी बार होम, वो हम डिस्कस करते हैं आपसे। इस ड्राइंग रूम के साथ में मेरी बैल्कनी अटैच है, डोर बहुत हैवी लगे हुए हैं, यहाँ पे जान लगेगी जी खुलने में। 6 फीट वाइड बैल्कनी, जिसको हम कह सकते हैं एक्चुअल यूजेबल स्पेस। शाम को अगर अपने कोई गेस्ट आए हैं, बच्चों के साथ बैठना है, आराम से सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं आप। साथ ही साथ यहाँ मिल जाता है अपने को टफन ग्लास, 100% साउंड प्रूफ। वापस चलते हैं अपने घर के अंदर। दोस्तों अब हम आ गए हैं उसी सेक्शन के ऊपर जहाँ से हमने वीडियो की शुरुआत की थी। अपना बार कंसेप्ट बहुत ही अच्छे लुक के साथ बनाया है, पूरा स्टोरेज यूनिट है। अगर काफ़ी लोग जो बार काउंटर पसंद नहीं करते, यहाँ बड़ा अच्छा अपना एक बहुत आराम से लाइब्रेरी सेक्शन भी आ सकता है। काफ़ी सारे रैक्स लगाए हैं विद प्रोफाइल लाइटिंग, सो एक हाईलाइटिंग वाली चीज़ आ जाती है। एंड एक ऐसा डिज़ाइन है जो कि आप अपने घर में किसी भी अलग पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसी ड्राइंग के साथ में अटैच हो जाता है मेरा डाइनिंग स्पेस। डाइनिंग बहुत हमने शटल डिज़ाइंस लगाए हैं, 6-सीटर डाइनिंग लगाया हुआ है, छोटी फैमिली के लिए बहुत सफिशिएंट स्पेस है। एंड चाहें तो हम इसको एनलार्ज कर सकते हैं 8-सीटर अगर हमको रिक्वायरमेंट है, बहुत आराम से लगता है। एंड स्पेस इस तरह से यूटिलाइज किया है कि अपने साथ ही यहाँ पे टीवी का स्पेस आ जाएगा, आपका टीवी यूनिट लगती है। एंड यहाँ बैकड्रॉप में जो दिया है, दैट इज़ सारा ग्लास का फीचर, सो एक अगेन हाईलाइटिंग फीचर आता है आपके फ्लैट को, और ज़्यादा स्पेशियस दिखाता है। फ्लैट ऑलरेडी बहुत स्पेशियस है, बट इसकी होने की वजह से एक ऊम फैक्टर आ जाता है, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, अपने फ्लैट में बहुत अच्छा डिज़ाइन कर सकते हो आप, एंड एक एक्स्ट्रा लुक देगा फ्लैट को अपने। इस ड्राइंग डाइनिंग के साथ में बिल्कुल मेरी किचन अटैच है, किचन में लेके चलते हैं आपको। किचन दोस्तों हमारी बनाई है डबल शेल्फ के साथ में, एंड स्पेस बहुत है किचन के अंदर। किचन हमने सारा दिया हैटिक का अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट वाला, जो आपको लग्जरियस फ्लैट्स के अंदर मिलेगा। सारे सॉफ्ट टच क्लोजर्स, जस्ट हैव अ लुक, मैंने पूरी ताकत से बंद किया है इसको। एंड ऊपर जो हमने कवर्स दिए हैं आपके, ये सारे प्रोफाइल लाइटिंग के साथ हैं। सो अगर रात को भी किचन में काम कर रहे हैं, आपको लाइट की कमी महसूस नहीं होगी। साथ ही जितने ऊपर शेल्व्स लगे हुए हैं, ये सारे आपके शिफ्ट हो सकते हैं, मतलब अपने कंटेनर्स की हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो आप। यहाँ पे अपने को मिल जाता है डबल डोर फ्रिज का स्पेस, जो जनरली काफ़ी फ्लैट्स वाले अवॉइड कर देते हैं। साथ में यहाँ मिल जाता है अपने को यूटेंसिल्स का एरिया, बर्तन वॉश के सारे यहाँ पर आ जाते हैं सेक्शन में आपके। नीचे आ जाता है आपका सोप एरिया एंड बिन एरिया। इसके साथ ही किचन में यहाँ पर अपना चिमनी का स्पेस आ जाता है, हॉब अपना लग जाता है। ये आ जाती है मेरी ड्राई पेंट्री, जो आपको लगी मिलेगी। सो मुझे लगता है किचन बहुत सफिशिएंट है एक फैमिली के लिए।
ये वाले किचन की जो बालकनी है यहाँ से हमको मिलता है अपना वेट एरिया, जहाँ पे आपका वॉशिंग मशीन का स्पेस हमने डिफाइन किया हुआ है कहाँ पे लगेगा। एंड ये वाला बालकनी अपने सर्वेंट रूम के साथ में अटैच आएगा, प्लस एक बेडरूम के साथ में और है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अब बालकनी का एक बार स्पेस आप देखिए, कितनी स्पेशियस बालकनी है। और ये बालकनी आपका कॉर्नर होने की वजह से सनलाइट की दिक्कत नहीं आएगी, वेंटिलेशन का इशू नहीं आएगा आपको। आइए वापस घर में चलते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम देखने चलते हैं अपने बेडरूम्स को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने लॉबी एरिया डिज़ाइन किया है, जैसे कि बेडरूम्स की प्राइवेसी बहुत अच्छी बनी रहती है। पहला बेडरूम आता है मेरा गेस्ट बेडरूम, बहुत डिसेंट साइज़, 11x13 का साइज़ है। जनरली इस साइज़ के मास्टर बेडरूम रखते हैं लोग, हमने यहाँ पर गेस्ट बेडरूम दिया हुआ है। फुल साइज़ बेड लगा है, बेड के बाद एक हमने एक सीटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है। एंड आप देखिए, आप इस सीटिंग अरेंजमेंट से जो आपकी टीवी की यूनिट है इसका डिस्टेंस कितना है। और हाईलाइट करने के लिए इस वॉल को हमने एक बड़ा अच्छा एक इंटीरियर का डिज़ाइन दिया है, वुड का काम विद हल्का सा कर्व स्पेस ऊपर एंड प्रोफाइल लाइटिंग के साथ। अगेन एक हाईलाइटिंग वाला फीचर आ जाता है इसके अंदर। इस बेडरूम के साथ कबर्ड्स मेरी अटैच हैं, जो हमने बालकनी के अंदर निकाल दिए हैं, सो स्पेस अपने को पूरा मिल जाता है। एंड ये भी रहेंगी आपकी सेंसर लाइट्स के साथ में। इस बेडरूम के साथ में बालकनी मेरी अटैच आ जाती है। आइए एक बार इस पर भी लुक कर लेते हैं। दोस्तों बालकनी का स्पेस इसमें है 6x22 का। वाओ, आपके बच्चे को क्रिकेट खेलने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे खेल सकते हैं बड़े आराम से। एंड एक हमने आउटडोर फर्नीचर का कंसेप्ट भी लगाया है यहाँ पे, कि आप किस तरह से इस बालकनी को डिज़ाइन कर सकते हैं। आपके बैक साइड में नेचुरल फ्लावर्स का हमने वर्टिकल गार्डन लगाया है, सो एक आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं क्या चीज़ कैसे लग सकती है। आइए वापस चलते हैं अपने घर के अंदर। तो दोस्तों बालकनी से जैसे हम इस बेडरूम के अंदर आते हैं, जो पहली चीज़ हमें नोटिस में आती है, दैट इज़ ये अपना एक ड्रेसिंग एरिया। हर बेडरूम के अंदर ड्रेसिंग का बड़ा प्रोमिनेंट स्पेस निकाल के दिया है, सो दैट आपके जो गेस्ट आए हैं, कोई भी आपके बच्चे रह रहे हैं अगर रूम के अंदर, उनको ड्रेसिंग यूज़ करने के लिए किसी और बेडरूम में जाने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत अच्छा स्पेस निकाला है। अभी चलते हैं हम अपने इस घर के सेकेंड बेडरूम को देखने। आइए प्लीज। सेकेंड बेडरूम मेरा आता है लॉबी को जस्ट क्रॉस करके। एंड इस बेडरूम के अंदर हमने बड़ा एक बेसिक सा डिज़ाइन दिया है इंटीरियर्स में, विच इज़ ग्रे विद अ हिंट ऑफ ऑरेंज टच। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन जा रहा है, देखिए जैसे एक पेंटिंग लगाया है, अगेन ये वाइट एंड हल्का सा ऑरेंज शेड के साथ है, सो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं चीज़ें। इंटीरियर में यही सारी चीज़ें हैं जो हमको थोड़ा थोड़ा बेडरूम को बढ़िया अच्छा बना देती हैं। फुल साइज़ बेड लगा हुआ है, बेड के अंदर भी जो हमने बेसिक डिज़ाइन रखा है दैट इज़ ब्लैक वाइट एंड ऑरेंज फीचर के साथ में, सो अगेन एक कॉम्प्लीमेंट करती हैं चीज़ें सारी। इस बेडरूम के साथ में अपनी बालकनी अटैच है, जो हमने पहले दिखाई थी आपको, जो आपकी अटैच होती है किचन के साथ। डोर्स मैंने आपको पहले बताया था बहुत हैवी हैं, जान पूरी लग रही है खोलने में। आइए प्लीज। ये वही बालकनी आ गई अपना, जो एल शेप के अंदर है। यहाँ भी अपने को प्रॉपर स्पेस मिल जाता है, कुछ अपने को एक्स्ट्रा स्टोरेज रखनी है दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल हेयर। एंड दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो मैं आपकी नज़र में लाना चाहूँगा, मतलब इसको कहते हैं आर्किटेक्चर का मार्वल। हमने बहुत एक चीज़ को ध्यान रखा है, आपकी जो एसी का यूनिट है और टीवी है, ये दोनों सेम वॉल पर नहीं होंगे, ना तो किसी बेडरूम में ना आपके ड्राइंग डाइनिंग के अंदर। इसी बेडरूम के साथ में अपना आ जाता है पहला ड्रेसर यूनिट, बहुत अच्छा स्पेस है। अगेन ये भी आ जाता है अपना सारा प्रोफाइल लाइटिंग के साथ में, स्पेस अच्छी निकाली हुई है। जो अपने ड्रॉर्स भी हैं, ड्रॉर्स आपके लॉकेबल ड्रॉर्स हैं। वॉशरूम इसके साथ मेरा अटैच है, जिसमें दिया है अगेन ग्रे फीचर विद हिंट ऑफ, नीचे भी ग्रे है, एंटीस्केट टाइल्स। बहुत अच्छा स्पेस निकाला है वॉश बेसिन के लिए, जो आपका वॉल माउंटेड है। सारा प्रीमियम फिटिंग विद, मतलब डिसेंट स्पेस है। आपका बेडिंग एरिया बिल्कुल सेपरेट निकाल दिया इस चीज़ के अंदर। इसके बाद चलते हैं इस घर का थर्ड बेडरूम, जो कि है मास्टर बेडरूम को देखने। नहीं, उससे पहले आपका आ जाता है
कॉमन वॉशरूम। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कॉमन वॉशरूम, आपके कोई गेस्ट आए हैं उनको अपने बेडरूम के अंदर ले जाने की आपको जरूरत नहीं है। सॉरी स्पेस का मैं ध्यान देना भूल गया। तो यहाँ भी सर अपने को फिटिंग जो मिलता है वो प्रॉपर क्लास फिटिंग मिलता है विद वैनिटी, ये हम लगा कर देंगे आपको। फीचर मतलब दोनों बेडरूम्स की जो वॉशरूम्स की टाइल हैं वो डिफरेंट हैं। एंड ये आता है दोस्तों मास्टर बेडरूम। जी हाँ दोस्तों, मास्टर बेडरूम बड़े तसल्ली से डिज़ाइन किया है हमने। इसके अंदर जो फ्लोरिंग आप देख रहे हैं ये जनरली वुडन फ्लोरिंग आपने देखा होगा ब्राउन कलर का, इसमें हमने टच दिया है ग्रे एंड हल्का सा ब्लूइश टच के अंदर। बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल का फिनिश आ रहा है, आप जब देखने आएंगे आप खुद विजुलाइज करोगे चीज़ को। साथ में यहाँ भी जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हमने जो अपना ड्रेसिंग एरिया है उसको बड़ा अच्छी तरह डिज़ाइन किया है। ये आपका ड्रेसिंग एरिया आया है विद प्रोफाइल लाइटिंग, सो आपको लाइट की इशू नहीं आएगा। एंड सारा वॉल हंग आपको कबर्ड्स दिए हैं, ड्रॉर्स, बहुत अच्छा फील आता है। नीचे भी इसमें पूरा ग्लास आया हुआ है सो दैट अगर कोई घर में लेडी तैयार हो रही है सो उनको बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में ही अटैच आ जाती है अपनी एलईडी का यूनिट, एलईडी का यूनिट भी सारा वॉल हंग ड्रॉर्स के साथ है। एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है अपने फ्लैट को। प्लस जैसा कि डिस्कस मैंने आपसे लास्ट टाइम भी किया था पिछले बेडरूम के अंदर कि यहाँ हमने एसी का यूनिट और टीवी का यूनिट दोनों अलग अलग वॉल्स पे दिए हैं। प्लस यहाँ जो आपका बैक जो आता है बेड का, अगेन ग्रेश डिज़ाइन के अंदर है। प्लस आपका रोज़ गोल्ड की जो स्टील स्ट्रिप्स आती हैं उसके शेड के अंदर, बहुत फैशन में इन है आज की डेट में। एंड अगेन वॉकिंग स्पेस इसके अंदर बहुत है अपने मास्टर बेडरूम के अंदर। मास्टर के साथ ही जो मेरी बालकनी अटैच होती है ये हम एक बार पहले देख चुके हैं, एक बार दोबारा नज़र डाल लेते हैं। ये जो बालकनी आ जाती है अगेन वही 6 feet by 22 feet की बालकनी है ये, जो मैंने पीछे बताया था आपको पूरा बैकड्रॉप दिया है, नेचुरल प्लांट्स हैं सारे। तो अपने घर के अंदर एक ये चीज़ भी आप एडिशनल कर सकते हैं। एंड जस्ट इमेजिन ये वाला जो बालकनी है ये ओवरलुक करेगा आपका पार्क को, आराम से फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं ओवरलुकिंग पार्क। डिज़ाइन फीचर बहुत अच्छा दिया है, मतलब आर्किटेक्ट ने पूरी जान लगा दी है इसके अंदर अपनी। तो दोस्तों अब चलते हैं बालकनी से अपने बेडरूम की तरफ, उसके बाद देखेंगे हम इस बेडरूम का ड्रेसर। बेडरूम से निकलकर ड्रेसर बड़ा अच्छा निकाला हुआ है, चार पल्लों का ड्रेसर है ये विद अगेन प्रोफाइल लाइटिंग, मतलब सेंसर लाइट्स हैं सारी है। रात में कभी कुछ कपड़े चेंज करने हैं आपको लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड फुल लेंथ फीचर है ये, सो आपको स्टोरेज की दिक्कत नहीं आने वाली। एंड कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिया जो आपके बेडरूम को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अटैच आ जाता है मेरा इसका वॉशरूम, वॉशरूम में ब्लैक एंड वाइट कलर का टाइल्स दिए हैं, ये डबल टच टाइल है फुल लेंथ। तो दोस्तों वॉशरूम तो है अपना सारा ही ब्रांडेड फिटिंग के साथ तैयार, वैनिटी तीनों वॉशरूम्स में लगी मिल रही है। इसके साथ दोस्तों ये तो हो गई हमारे सारे घर की बात, घर में क्या है कैसे है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अमेनिटीज़ और क्या मिल रही हैं घर के साथ में, जिसका आप और आपके पेरेंट्स या बच्चे किस किस चीज़ को एंजॉय करेंगे आगे, तो उसका डिस्कशन हम करते हैं थोड़ी देर के अंदर। आइए, थ्री बेडरूम तो हमने देख लिए, अब प्लस वन वाला जो फीचर है ये आता है मेरा सर्वेंट बेडरूम। सर्वेंट की एंट्री बाहर से आपकी लॉबी एरिया से आ जाएगी, सो आराम से आप इसको सर्वेंट यूज़ करना है, आपने कोई अपना छोटा सा ऑफिस सेटअप करना है उसके लिए परफेक्ट स्पेस है। अटैच आपका एक वॉशरूम भी है इसका, सो अगेन कहीं सर्वेंट है ऑफिस यूज़ कर रहे हैं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वर्क फ्रॉम होम के लिए परफेक्ट चीज़ है। इसकी बालकनी भी आ जाती है अपनी किचन के साथ लगती हुई, जहाँ पर वॉशिंग एरिया डिफाइंड है आपके लिए। तो बेसिकली लोकेशन जो इसका है मैंने आपको पहले बताया था चंडीगढ़ पटियाला हाईवे है। एंड बेनिफिट क्या है इस लोकेशन का, यहाँ पे सब कुछ चीज़ें ऑपरेशनल हैं, आपकी ईटिंग जॉइंट्स बिल्कुल साथ हैं, आसपास कोई भी हाई राइज बिल्डिंग नहीं है जिसकी वजह से आपको वेंटिलेशन सनलाइट का लाइफ टाइम इशू नहीं आएगा। एंड मेरी सोसाइटी का सबसे बड़ा एडवांटेज आता है कि ये हाईवे से 200 मीटर दूर है, जो मैं मानता हूँ हाईवे से प्रोजेक्ट अपने घर का दूर होना ज़रूरी है, आपके घर के अंदर कोई भी हाईवे का डिस्टर्बेंस नहीं है, प्लस हाईवे वॉकिंग डिस्टेंस पे कनेक्टेड है। साथ ही साथ स्कूल्स सारे हैं यहाँ पे, बसेस आज भी आती हैं इस एरिया के अंदर, प्लस मेडिकल फैसिलिटीज़ आसपास सारी बनी हुई हैं। एंड बहुत अच्छी तरह कनेक्टेड हाईवे है ये अपने मेजर स्टेट्स के साथ में।
तो दोस्तों जो जो अम्यूनिटीज़ हमको रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि बड़े क्लब हाउस, बड़े पार्क, ओपन स्पेस, बड़ों के बैठने का एरिया, बच्चों के लिए खेलने का स्पेस, वो सब कुछ हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं आपके लिए। मैं आपका दोस्त आकाश विदा लेता हूँ आपसे, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। नमस्कार।